जिलाधिकारी ने मंगलवार को गोरखपुर में एम्स स्थापना की प्रगति की समीक्षा की और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यदायी संस्था हाइट्स के डायरेक्टर एस प्रसाद सहित अन्य प्रोजेक्ट अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था हाइट के अधिकारियों के साथ एम्स के मानचित्र पर मंथन भी किया और वहां पर बने पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया, एक तरफ से दूसरे तरफ से आपको देवरिया रोड पे भी चाहिए थे, जो 2 मीटर इनका बन जाएगा अंदर एस टी पी है वो नहीं जोड़ेंगे। तो आप यार 15 MLD तो पहले एग्जास्ट क्यों रखा, आप कहाँ जोड़ेंगे? नाला से आप एक तरफ से पंच बना करके कैच करेंगे, इतने फर्क है। बट इतने ये हमारा यहाँ पे कितने मंडी है, यहाँ पे एम का जो स्थापना हो रही है वहाँ तो 3-4 विभाग का बिल्डिंग है। वहाँ खासतौर पे गन्ना विकास विभाग का 151 बिल्डिंग है, उसको गिराने के लिए टेंडर आज अपलोड हो गया है। उसमें तो अगले 15 दिन में जो गिर जाएगा। उसके अलावा जो कृषि विभाग के पास है तीन जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, उसी के अलावा आवासीय बिल्डिंग सारे मिलकर के मान लीजिए 40-50 बिल्डिंग होगा, उसके भी 2 दिन में टेंडर अभी निकलवा रही है। जो एम्स बनाने वाले एजेंसी है, हाइट्स करके एक एजेंसी है, केंद्र सरकार ने डिप्यूट किए, उसका टीम अभी 3 बजे हम पहुंचने वाले हैं। उन लोगों को जो सुविधा चाहिए आगे, उनका नक्शा पास करना है और उनका ड्रेनेज सिस्टम का जो अलाइनमेंट सही कराना है, उसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान का सुविधा देना है, सारे चीज़ का हम बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तो अब 15 दिन 20 दिन से आप उन लोग काम शुरू कराने में मूड करें।